नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2022 के लिए RCB टीम ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। टीम में एक नए खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है ट्रेनिंग कैंप में, जिसने नेट्स में आते ही तबाही मचा दी है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आगे ये वीडियो होने वाली है। उस खिलाड़ी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, दिनेश कार्तिक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार ट्रेनिंग कैंप में कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, IPL 2022 में इनका बैटिंग पोजीशन क्या होने वाला है RCB टीम के लिए, जिसको लेकर बड़ा खुलासा किया है दिनेश कार्तिक ने खुद भी। तो दोस्तों, सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए अगर आप भी RCB टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। मेरे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली RCB के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहाँ भी आपको RCB टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहेगी। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, IPL 2022 के लिए RCB टीम ने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ट्रेनिंग कैंप में काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ी जो है हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए हैं। इसी कड़ी में दिनेश कार्तिक ने भी क्वारंटीन खत्म करके ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। दिनेश कार्तिक ने भी दो दिन से ट्रेनिंग करना चालू कर दिया है। दिनेश कार्तिक ने अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार पहला दिन कैसा रहा उनका नेट्स का। दोस्तों, RCB टीम ने खुद भी जो है ट्विटर हैंडल पर उनकी एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वो जमकर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े शॉट्स खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सभी को बता दें कि माइक हेसन ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि दिनेश कार्तिक RCB टीम के लिए एज अ फिनिशर यूज़ किए जाएंगे, वो RCB टीम के लिए फिनिशिंग की भूमिका निभाएंगे। इसी के बारे में बातचीत करते हुए दिनेश कार्तिक ने वहाँ पर बताया कि उन्हें जो है RCB टीम एज अ फिनिशर देख रही है और वो इस रोल को निभाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। इसी के लिए वो नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़े बड़े शॉट्स भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हो। तो भाइयों, दिनेश कार्तिक की बैटिंग पोजिशन की बात करें तो वो नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक पोजिशन पर दिनेश कार्तिक को RCB टीम खिलाने वाली है। इस नंबर पर खेलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आते ही बड़े शॉट्स लगाने होते हैं, टीम के सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर बल्लेबाजी करनी होती है। लेकिन दिनेश कार्तिक इस रोल को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जैसा कि उन्होंने बयान में कह भी दिया है। तो भाइयों, दिनेश कार्तिक जो है नंबर 5 या फिर नंबर 6 पर RCB टीम के लिए फिनिशिंग की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे हमें IPL 2022 में। दिनेश कार्तिक पहले भी ये काम जो है KKR टीम के लिए कर चुके हैं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं रहने वाला है। हालांकि RCB टीम के लिए वो कैसा करते हैं ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है, और RCB टीम के सभी फैंस को उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।